हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुकेशनल गुरु। आज मैंने न्यू पैटर्न के हिसाब से ही आप लोगों को ये चैप्टर, ये पोयम द रोड नॉट टेकन एक्सप्लेन किया है। तो जो ये टाइटल है, इस टाइटल से हमें ये साफ पता चल जा रहा है कि वो रोड जो हम लोगों ने नहीं लिया, वो पाथ, वो रास्ता जो नहीं लिया गया है। तो ये पोयम जब आप पढ़ेंगे और जब समझेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आज की ये पोयम डायरेक्टली रिलेटेड है हमसे, हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, आपके लाइफ से कनेक्टेड है। क्योंकि आप अभी भी एक ऐसे ही सिचुएशन में हैं अपने कैरियर के लेके, व्हाट टू सेलेक्ट एंड व्हाट नॉट टू सेलेक्ट, यानी विच रोड यू हैड टू टेक एंड विच नॉट। तो बस इसी तरह ही जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कहती हैं कि एक बार वो ऐसी ही सिचुएशन को फेस करते हैं जब वो जंगल में घूमने गए और उन्होंने दो रास्ते देखे। आप लोग इस कविता की गहराई को समझिएगा। जैसे कि अभी हमारे लाइफ में कैरियर ऑप्शन है, दो कैरियर ऑप्शन है कि हम कॉमर्स को लेके हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फिर साइंस लेके इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों की बारी है कि आप अपने लाइफ में बेस्ट पाथ चूज करें जिसे कि आपको आगे लाइफ में कभी भी पछतावा न हो। तो ये पोयम भी हमें ऐसी ही एक सिचुएशन के बारे में बता रही है, क्योंकि हमारे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने इतनी ऑप्शन होती है कि हमारे आगे ये मुश्किल आ जाती है कि हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, हमारे लाइफ के लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। सो नाउ लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोयम में पोएट को दो रास्ते मिलते हैं और उनके पास चॉइस होती है कि वो किस रास्ते पे जाए, क्योंकि आप सेम टाइम पे दोनों रास्ते पे नहीं जा सकते। और रोड जो वर्ड है, इसे कंपेयर किया गया है हमारे लाइफ के डिफरेंट कैरियर ऑप्शन से जो हम अपने लाइफ में फेस करेंगे या करते हैं, और हमारे पास भी ये चॉइस होगी टू चूज एनीवन। तो पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर में हमारा भविष्य, हमारा प्रेजेंट यानी आज पे डिपेंड करता है। जो हमारा भविष्य है, फ्यूचर है, वो हमारे आज पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया है। द कैरियर ऑप्शन जो हमने आज सेलेक्ट किया है वो ये डिटरमाइन करेगा कि हम लोग कल क्या बनेंगे, यानी इट विल डिटरमाइन व्हाट वी बिकम टुमारो। तो बस हमें काफी सावधान यानी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हमारे पास या हम लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि हम लोग अपने पास में वापस आ जाए और वो ऑप्शन को चूज करे जो बच गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि वो एक येलो कलर फॉरेस्ट था जिसके पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि उस फॉरेस्ट में दो रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉरेस्ट को येलो कहा गया है क्योंकि ऑटम का सीजन था जब फॉरेस्ट के पत्ते, लीव्स येलो कलर में चेंज हो गए थे। पोएट उस रास्ते से, उस रोड को देख वो सॉरी फील करते हैं कि यार मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता एक ही टाइम पे, क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर था और मैं एक ही पाथ से जा सकता था। मैं काफी देर खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। फिर मैं नीचे झुककर एक रास्ते को देखा जो दूर तक, जहां तक मेरी नजरें जा रही थी, जहां उस रास्ते में एक मोड़ आया था और जहां काफी घने पेड़ आ गए थे और जिसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं उसी रास्ते को देखता रहा। तो कभी आखिर यहाँ पे इतनी देर क्यों खड़े रहे, क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उनके लाइफ के लिए कौन सा रोड बेस्ट होगा, कौन सा पाथ बेस्ट होगा। तो बस ये डिसाइड करने के लिए ही वो इतनी देर तक वहां खड़े रहे। अब सेकेंड स्टेंजा है। तो आखिरकार पोएट कहते हैं कि काफी देर सोचने के बाद उन्होंने एक पाथ को, रोड को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वो रोड उन्हें काफी अट्रैक्टिव लगा। लेकिन पोएट कंफ्यूज्ड भी थे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही होगा या नहीं, क्योंकि जो दो रोड उन्होंने देखा था
उनमें से एक रोड काफी ग्रासी है, यानी हरे हरे घास हैं, और दूसरा रास्ता पे शायद कोई इंसान गया होगा। और जो दूसरा रास्ता था वो ज्यादा ग्रासी नहीं था, और जो ये इंडिकेट करता है कि ये पाथ ज्यादातर यूज हुई है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस पाथ उस रोड पे जाएंगे जो ज्यादा ग्रासी है, जिसे लोगों ने ज्यादा सेलेक्ट नहीं किया है, यूज नहीं किया है, उस रास्ते पे ज्यादा लोग ट्रेवल नहीं किए हैं। और पोएट का ये सिलेक्शन पोएट के बारे में ये बताता है कि उन्हें चैलेंजेस काफी पसंद है। अब वो आगे ये कहते हैं कि पोएट अभी भी कंफ्यूज हैं अपने डिसीजन को लेके, और ये एक ह्यूमन नेचर भी है, क्योंकि हम लोग हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट राइट इन दोनों के बीच, व्हाट टू डू व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू, ऐसे कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं हमारे दिमाग में। तो जैसा पोएट ने दूसरी वाली रोड जो ज्यादा ग्रासी थे लेस यूज हुआ था वो सेलेक्ट करते हैं, और फर्स्ट रोड को किसी और दिन के लिए सेलेक्ट करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो अब दोबारा लौट के नहीं आ सकते, वो फर्स्ट पाथ पे नहीं जा सकते। और लास्टली पोएट वापस से दोहराते हैं अपने लाइन को, कहते हैं कि जो पाथ उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है वो उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और फिर एक दिन पोएट वापस उसी दिन को याद करेंगे जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था, क्योंकि जो डिसीजन आप अपने जिंदगी में एक बार ले लेते हैं उसे आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन। सो आप लोग अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ कर लें। स्टूडेंट, आप लोग भी अपने डिसीजन को कोई भी अट्रैक्टिव चीज से अट्रैक्ट होकर ना लें, क्योंकि बाद में आप लोग को पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि टाइम इज मोर पावरफुल। सो जो भी डिसीजन ले दिल से ले, आराम से ले, सोच समझ के ले। सो आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।